हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। आसिम रियाज एक ऐसे कंटेस्टेंट जो पहले भले ही कुछ खास खेल खेलते नजर नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी गेम ऐसी बदली कि लोग देखते ही रह गए। अबू मलिक के जाने के बाद लोगों को लग रहा था कि अब अगला नंबर आसिम रियाज का है, लेकिन आसिम की गेम सिद्धार्थ से दुश्मनी करने के बाद स्ट्रांग होती चली गई। वहीं ये तो हर कोई जानते ही है कि घर के अंदर फैमिली वीक चल रहा है और आसिम रियाज का कनेक्शन बनकर आई है पंजाब की ऐश्वर्या यानी हिमांशी खुराना। जैसे हिमांशी ने घर में एंट्री मारी, आसिम रियाज तो खुशी से झूम ही उठे। इतना ही नहीं, आसिम ने तो हिमांशी को नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज भी कर डाला। लेकिन दोस्तों, जहां लोग आसिम के इस प्रपोजल को देखकर दीवाने हो गए, वहीं उमर रियाज और उनके पापा को कुछ ये बात पसंद नहीं आई। हाल ही में आसिम के पापा रियाज अहमद चौधरी ने ट्वीट करके लिखा, आसिम रियाज ने नॉमिनेशन टास्क अपनी अकलमंदी से जीता है और अपनी बेहद अच्छी और टैलेंटेड दोस्त हिमांशी खुराना को घर में देख के वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। इसकी वजह घर से लंबे वक्त की दूरी रही है, लेकिन उसकी प्राथमिकता पूरा ध्यान गेम पर होना चाहिए और अपने फैंस का प्यार बनाए रखना चाहिए। तो देखा आपने, आसिम के पापा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका तो ये कहना है कि आसिम को खेल में ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, आज घर के अंदर खूब ड्रामा, खूब लड़ाइयाँ देखने को मिलने वाली है। आज का एपिसोड देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। Thank you.